ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पर। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए, ऐसी भी आशंका कि दो चार लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग चार घंटे लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पर शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के CCTV फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी एक दो लोग शायद डिटेन किए गए हैं, हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो चार नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है, फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे।